हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई रेसिपी बाय अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ इंस्टेंट पॉट में बना मटन कीमा। सो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, हमें क्या क्या चाहिए और हम इसे इंस्टेंट पॉट में वेरी क्विकली इजीली कैसे बना सकते हैं। सो मटन कीमा बनकर तैयार है, हमारा डिनर आज का रेडी है और ये डिनर करती हूँ आपके साथ शेयर इसकी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इंस्टेंट पॉट मटन कीमा। सो फ्रेंड्स, मटन कीमा इन इंस्टेंट पॉट बनाने के लिए हमें चाहिए मटन का कीमा। तो ये मैंने शॉप से ही कीमा करवा के ले आई थी। ये यहाँ पे मैं 1 LB कीमा यूज़ कर रही हूँ। 1 LB मतलब आधा किलो के आसपास, ये थोड़ा आधा किलो से कम ही होगा थोड़ा शायद। तो और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टमाटर जिसको मैंने पतले पतले काट लिए हैं। मैंने यहाँ पे लिया है बड़े साइज़ का 1 ऑनियन, थोड़ा बड़े साइज़ का था, अगर आप मीडियम साइज़ के ले रहे हैं तो 2 ले लीजिए। ग्रीन चिली, थोड़ा सा गरम मसाला, ये 1/3 स्पून गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कीमा मसाला, ये रेडी मेड मसाला है, मैंने बाहर से ख़रीदा है कीमा मसाला। ये मैं शान कंपनी का कीमा मसाला यूज़ करूँ, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका भी आपको टेस्ट पसंद हो। और मैं ये धनिया पत्ता है प्रॉपर चॉप करके रखा है। और हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हो। और हमें चाहिए बनाने के लिए हमारा इंस्टेंट पॉट। तो इंस्टेंट पॉट को मैंने प्लग इन कर दिया है, चलिए इसे सॉटे पे करते हैं और इसे नॉर्मल पे करते हैं। नॉर्मल पे हम इसे सॉटे करते हैं और फिर इसे होने देते हैं गरम, वेट करते हैं इसके गरम होने का। और बहुत ही आसान है ये कीमा मसाला बनाना, बहुत ही इजी, और इंस्टेंट पॉट है तो और भी इजी। तो चलिए इसे बनाते हैं इंस्टेंट पॉट में। सो पॉट हो गया है गरम, चलिए इसमें ऐड करते हैं ऑयल, गुड अमाउंट ऑफ ऑयल, अराउंड 2 टेबल स्पून। और अब इसे होने देते हैं थोड़ा सा गरम। सो फ्रेंड्स, तेल हो गया है गरम, चलिए इसमें ऐड करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें जीरा ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही। ऑनियन, मुझे जीरा ऐड करने से ना वो ग्रेवी वाला टेस्ट आने लगता है। आपका चॉइस है, अगर आप ऐड करना चाहते हो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, अपने अपने टेस्ट, खाने के टेस्ट के ऊपर है। तो ऐड किया ऑनियन, और ऑनियन को होने देते हैं थोड़ा गोल्डन, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा फ्राई हो जाए। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑनियन का कलर हो गया है चेंज। थोड़ा 10 मिनट लगा है इसको होने में, क्योंकि मैंने इसे नॉर्मल पे रखा है ताकि हमारा बेस जले नहीं। और अब ये गर्म भी हो रहा है ज़्यादा, तो ये देखिए हल्का सा लाल होना शुरू हो गया है, ऑनियन लग रहा है। तो चलिए अब इसमें ऐड करती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर ले। 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, बस इसकी थोड़ी सी महक निकल जाए जो गार्लिक की होती है। जिंजर तो ठीक है, गार्लिक का स्मेल होता है, वो कच्चापन निकल जाए। इसे चला लें। तो 2 मिनट हो गए हैं, चलिए फिर से चलाते हैं इसे। और अब इसमें ऐड करती हूँ हमारे सारे सूखे मसाले विथ सॉल्ट, और कीमा मसाला भी सूखे मसाले के साथ ही, और इसे भी मिक्स कर लें। क्योंकि ये पाउडर मसाला है तो तुरंत जलेगा, इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार चला लें उतना काफ़ी है पाउडर मसाले के लिए। और अब इसमें ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर, मिक्स कर दें अच्छे से। अब इसे बस 1 मिनट के लिए यूँ ढक दें ताकि टमाटर थोड़ा गल जाए, फास्ट हो जाएगा ये। फिर चलिए कवर हटाते हैं और इसे चला लेते हैं, मिक्स कर लीजिए। ये नॉर्मल पे है फिर भी हल्का सा लग रहा है, लेस पे रखेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो फिर चला लें, कोई बात नहीं, ये निकल के आ जाएगा। और अब हमें डालना है इसमें हमारा
मीन्स मटन, मिक्स कर दे इसे अच्छे से। और अब हमें इसे करना है लो पे, सो लेस पे कर देने से, लेस पे कर दिया है सॉटे को, लेस पे कर देने से ये नीचे से जलेगा नहीं क्योंकि इसमें अब मटन ऐड हो गया है। और हमें इसे करना है थोड़ी देर तक फ्राई, तो इसे ढककर फ्राई करेंगे, बट ये जले नहीं उसके लिए हमने इसे लेस पे किया है। चलिए इसे कवर को यूं लगा देते हैं और इसे 5 मिनट तक फ्राई करते हैं। बीच में एक दो बार चला लीजिएगा ताकि नीचे से जले ना, सेफ्टी के लिए। सो 5 मिनट हो गए हैं, इसे खोला थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। और इसमें ऐड करती हूँ बिल्कुल 1/3 कप ऑफ वाटर, 1/3 से ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इनफैक्ट बाद में हो सकता है इसे ड्राई करना पड़े थोड़ा सा। तो वी कर दिया मैंने कैंसिल, 1/3 इसमें पानी डाला, आप इसमें 1/3 कप से लेके आधी कप तक पानी डाल सकते हैं, सही अगर आपको थोड़ा सा लिक्विडी चाहिए तो। ये इसको सेट किया सीलिंग के तरफ, वेंटिंग नहीं, और ये तुरंत अप हो गया क्योंकि अंदर प्रेशर था, इसने प्रेशर ले ही लिया। और चलिए अब करते हैं प्रेशर कुक पे इंक्रीज, नहीं 15 मिनट्स रखा है मैंने, और मैं इसका प्रेशर लेवल रख रही हूँ लो। तो लो प्रेशर पे 15 मिनट्स के लिए मैं इसे कुक होने के लिए छोड़ रही हूँ। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कुक कर रही हूँ बच्चों की वजह से, आप इसे 12 मिनट में भी कुक कर सकते हैं अगर सिर्फ बड़े लोग हैं खाने के लिए तो 12 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी मिंस्ड है तो जल्दी कुक हो जाएगा मटन, बट बच्चे हैं तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सॉफ्ट करती हूँ ताकि उनको डाइजेशन के लिए ईजी रहे, क्योंकि मटन थोड़ा डाइजेस्ट होने के लिए टफ होता है बच्चों के लिए स्पेशली। तो इसलिए मैंने इसे 15 मिनट के लिए लो प्रेशर पे कुक करने के लिए लगाया है। तो वेट करते हैं 15 मिनट के लिए और मिलते हैं 15 मिनट बाद। सो फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंट पॉट मटन कीमा बनकर तैयार है, ये देखिए। चलिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। स्टे कनेक्टेड, बी ट्यून्ड विद रसोई रेसिपी बाय अंजलि।